विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। ग्वालियर में उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की और कई रूठे और छूटे नेताओं को मनाया। हालांकि मिश्रा ने कहा कि पूरी बीजेपी एक है और हम उपचुनाव जीत रहे हैं। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में बीजेपी के पूर्व मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो किसी न किसी वजह से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। नेता इस मुलाकात को औपचारिक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर उनकी किसी भी नेता से मुलाकात नहीं हुई है, पारिवारिक स्तर पर मुलाकात की गई है। रविवार को मिश्रा सबसे पहले पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के निवास पर पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। वही उनका नाम मुरैना की जौरा विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार के रूप में प्रमुखता से लिया जा रहा है। दोनों ही स्तर पर यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मिश्रा पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा से मिलने के बाद पूर्व गृह मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के निवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री माया सिंह के निवास पर भी रुख किया और उसके बाद वे जयभान पवैया के निवास पर पहुंचे। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। समझा जाता है कि दशा में गृह मंत्री ने सभी नेताओं को चुनाव में पार्टी के हित में काम करने के लिए मनाया है, लेकिन खुले तौर पर कोई भी नेता इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं आता रहा हूं, मिलता रहा हूं, कोई पहली बार इस घर में नहीं आया हूं, पारिवारिक रिश्ता है। उनका जब फ़ोन आया था बधाई का, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं आशीर्वाद लेने आऊँगा, मैं फ़ोन पे बधाई स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ। आशीर्वाद लेने का कहा था, आया हूँ, बड़े भाई से आशीर्वाद ही लिया जाएगा। हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई, राजनीतिक बात नहीं हुई, पारिवारिक बातें हुई। भाभी जी का भी आशीर्वाद लिया। गृहमंत्री के तौर पर आता तो निश्चित तौर पर चर्चा होती। छोटा भाई बड़े भाई से मिलने आया था, ये उसका अपना घर है और पहली बार नहीं है कि वो आज आया हो, लेकिन कोरोना के बाद, क्योंकि शपथ कोरोना के अंदर हुई थी, वो ग्वालियर नगर में पहली बार प्रवेश किया है उसने, तो उसके मन में था कि मैं जाऊंगा। और ये बहुत पुरानी बात है, जब उसने शपथ ली थी उसके तत्काल बाद की, वो आज अपने वादे को पूरा करने आए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।